यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में, मेरी आंखें भी इतनी प्यारी हैं, मेरे बाल भी इतने प्यारे हैं, मेरे गाल भी, मतलब मेरा चेहरे पे इतना तेजपन है, मेरे नैन नकश इतने तीखे हैं, मतलब एक अलग ही क्या बोलते हैं, मतलब एक अलग ही अट्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब एक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। लड़की वाला लड़की के लिए लड़का देख सकता है, लड़के वाला अपने लड़के के लिए लड़की देख सकता है, लड़का भी डायरेक्ट लड़के लड़की के बाप से बेटी का हाथ मांग सकता है, और लड़का डायरेक्ट लड़की से भी शादी की बात कर सकता है, लेकिन 24 घंटे मोबाइल पर लगा नहीं रह सकता। रात के 12 बजे के बाद शुरू होता है व्हाट्सएप चैटिंग, बाप सो रहा है, अम्मा खर्राटे ले रही है, बेटी की उंगलियां कीबोर्ड पे टाइपिंग पे चप 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 रही है, आई लव यू, उधर से आता है आई लव यू टू मच, पता नहीं क्या क्या टू मच चार मच फाइव मच, और मच मच करते हुए दिमाग में मच मच। तो वो जो एक रावजी बैठा हुआ है अमेरिका के अंदर, क्या नाम है उसका? नहीं 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 वो नहीं, हसन अल्लाह यारी। हाँ तो उसकी आप जरा वीडियोस देखे ना, वो यही सारी रिवायतें बलादरी से ही ला के दिखा रहा है ना, और वो अहले सुन्नत के आइम्मा का मजाक उड़ा रहे हैं ना। मुझे लोग कहते हैं हसन अल्लाह यारी को जवाब दो, मैं क्या जवाब दूं उसको? मैं जवाब दूंगा तो आप मेरे पर 295 सील लगाएंगे। आप लोग जवाब देना, लोगों से लाखों रुपए चंदा आप लोग लेते हैं, ठीक है जी, दीन की खिदमत के नाम के ऊपर पूरी कौम को आपने आगे लगाया हुआ है, तो जब आपके ऊपर अहले सुन्नत के मनज पे कोई हमला होता है तो मुझे कहते हैं आप जवाब दें, जवाब भी आप दें ना, बताएं आके। खुतबा नंबर 232 है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुसल दे रहे थे आपकी वफात के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम, तो आपको गुसल और कफन देते वक्त जो खुतबा दिया मौला अली ने वो नकल हुआ है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपकी रहलत फरमा जाने से नबूवत, खुदाई अहकाम और आसमानी खबरों का सिलसिला मुनक़ते हो गया, जो किसी और नबी के इंतकाल से कता नहीं हुआ था। ये है खत्म नबूवत का अकीदा। उन्होंने कहा कि आपका दुनिया से जाना नबूवत को हमेशा के लिए खत्म कर गया, खुदाई अहकाम खत्म, आसमानी खबरें खत्म, बाबे खत्म। आपने इस मुसीबत में, यानी आपकी जो वफात हमारे लिए इतनी बड़ी एक तकलीफ दे चीज है, अपने अहलुल बैत को मखसूस की, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के गमों से तसल्ली दे दी। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका दुनिया से जाना अहलुल बैत के लिए इतना बड़ा गम है कि अब उन्हें किसी और गम की जरूरत नहीं है, और इस गम को आम भी कर दिया कि सब लोग आपके सोग में शरीक हो सकें। अगर आपने सबर का हुक्म और नालाओ फरियाद से रोका ना होता तो हम आपके गम में आंसुओं का जखीरा खत्म कर देते। आप देखें ये बिल्कुल वाज़े अकीदा उन्होंने दे दिया। आहो बुका इस एतबार से नोहे की कोई ऐसी शक्ल बुलंद करना कि जिसमें चीखो पुकार हो, इससे आपने मना किया। तो सरकार अगर ये चीखो पुकार का ये मामला है तो सरकार मातम दिशाई कोई नहीं, हाँ फिर गोली का मातम, आग पर मातम, उसका क्या जंजीर का मातम और छुरियों का मातम, उसका तो कोई लेना देना नहीं भाई। यहां तो मौला जी कह रहे हैं कि आपने हमें सब्र का हुक्म दिया है, तो मुझे बताएं गमे रसूल से बड़ा तो गम हो ही नहीं सकता था। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं, इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, देखिए। देखिए हमारे स्टूडेंट्स वो वाइस स्टूडेंट्स हैं जो शिया की मस्जिद में भी नमाज पढ़ते हैं, देवबंद की भी, बरेली की भी, अहले हदीस की भी, जबकि जो लोग हमें मशवरे दे रहे हैं ना फिरकों वाले, वो तो एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ने के कायल नहीं है, एक दूसरे को काफिर समझते हैं, एक दूसरे को चंदा देने के कायल नहीं है, वो किस मुंह से हमें समझा रहे हैं? वो असल में ये कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब ये जो इख्तलाफ है इसको खत्म ना करें, ये दराड़े कायम रहने दें और हमारी चंदा बुक चलती रहे, वो ये कह रहे हैं सर। साकिब रजा मुस्तफाई साहब, हाय हाय, वो ख्वाजा बाबुल हक नक्शबंद के बारे में बता रहे हैं कि उनकी एक मुरीदनी थी, उसको बादशाह वक्त ने एक मीनारे से गिराया और वो बुखारे में थे,
وہ کہتے ہیں کہ مریدنی نے آخری وقت میں بجائے اللہ کو پکارنے کے نا بابے کو پکارا. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو آگے الفاظ دیکھیں اس ذمہ دار شخص کے. یہ کہتا ہے کہ جی وہ بزرگ آئے اڑ کے اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کر کے, ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کے, تو زمین پہ آرام سے رکھ دیا جب اس کو دھکا دیا جلاد نے. اور بعد میں مریدنی پوچھتی ہے کہ حضرت آپ کہاں سے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ تو منارے سے چل پڑی اور میں بخارے سے چل, اور میں رہے پولتے آ کے ملے دوائے. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارا آم دی من از بخارا آم دم, تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل. یہ تبدیل تو نہیں ہوا ظاہر ہے, ثاقب رضا مصطفی صاحب جب بیان کر رہے ہیں تو یہ واقعہ تبدیل تو نہیں ہوا نا. اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا. اور ان کی حالت دیکھیں کہ ان کے جو پیر ہیں وہ مریدنیاں کیچ کرتے ہیں. اب میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ نہ میرا مریدنی کو کیچ کیوں کیا, یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. بے فکر رہو, یہ سب یہ کوئی غامدی نہیں ہے جو ملک چھوڑ جائے گا, یہ کوئی ذاکر نائک نہیں ہے جو باہر چلا جائے گا. آج اس کے نام میں علی آتا ہے اور علی بنو امیہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا بالکل. یار انجینئر نو سنیا جی وہ سارے نو لے دے گیا جی اوے پے گیا جی تہاڈے پیو ماں پیرا نو سن نکلو باہر. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے بابے تے چاہیے کوئی نہیں, اے تیرے بابے نہیں کٹر گھیٹ انکی